अगर आप तहरीरी इम्तिहान में टॉपर हो, फिजिकल और मेडिकल में भी फिट हो, अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट पास नहीं करते तो मुतलका इदारा ये कंपनी आपको मुलाजमत नहीं देगा। अगर यूट्यूब पर साइकोमेट्रिक की ऐसी वीडियो ढूंढ रहे थे जिसमें आपके तमाम तर सवालात के जवाबात मिल सकें तो आप सही वीडियो तक पहुँचे हैं। दोस्तों, मैं आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर टॉपिक की तरफ चलता हूँ। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्यों लिया जाता है, इसका मकसद क्या होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट में किस किस्म के सवालात होते हैं, हम ये तमाम बातें इस शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में पेश किया जाने वाला मवाद, मुख्तलिफ वीडियोस, आर्टिकल्स और इन्फॉर्मेशन के बाद मैं साइकोमेट्रिक का निचोड़ आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके सब्सक्राइब कर देने से मेरी हौसला अफजाई होगी। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है? साइकोमेट्रिक टेस्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए से एग्जामिनर उम्मीदवार की सोच, ख्यालात, सलाहियत, रवैये, डिसिप्लिन, मकसद, काबिलियत का अंदाज़ा एक पेपर की सूरत में लेकर जज करता है। ऐसे टेस्टों की मार्किंग का तरीकाकार दूसरे टेस्टों से मुख्तलिफ होता है। इस टेस्ट में ग्रेडिंग की जाती है और पास फेल किया जाता है। इस नफसियाती टेस्ट में आपने तमाम सवालात का जवाब देना होता है जो मुख्तलिफ हिस्सों में होता है। ये सवालात आपकी ज़िंदगी में रहन सहन और सोच के मुतल्लिक होते हैं। एग्जामिनर अपने दफ्तर में बैठकर आपकी शख्सियत का पता लगाता है कि आपका रवैया कैसा है, आप क्या सोचते हो। दूसरों के साथ मिलकर काम करने को जांचा जाता है। ये आपके रवैये, चाल चलन, सोच, ख्यालात को परखने का एक तरीका है। साइकोमेट्रिक टेस्ट किसी भी इदारे या कंपनी का हो, इसका मकसद तो एक ही होता है, आप किसी चीज़ को किस तरीके से सोचते हो, आप कितने मोटिवेट डीमोटिवेट हो, अपने अंदर किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, आपकी डिज़ायर क्या है। इस टेस्ट में 50 से 200 तक सवालात होते हैं। हर इदारे का मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है। आपने खुद को 200 सवालात के लिए मेंटली तैयार रखना है। साइकोमेट्रिक टेस्ट दो हिस्सों में तकसीम होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट और एबिलिटी टेस्ट। इन दोनों हिस्सों में मकसद सिर्फ एक ही है, उम्मीदवार की दिमागी सलाहियत, उम्मीदवार का रवैया, उम्मीदवार की शख्सियत, उम्मीदवार की काबिलियत, उम्मीदवार की सोच का तरीका। ये वो चीज़ें हैं जो फेस टू फेस जज नहीं की जा सकती, उम्मीदवार को फेस टू फेस नहीं परखा जा सकता। इस टेस्ट का मकसद मनफी सोच वाले उम्मीदवार का पता लगाना होता है। इस टेस्ट में दोस्तों जुमले बनाने हों, जुमले मुकम्मल करने हों, वर्बल हों या नॉन वर्बल या फिर पिक्चर स्टोरी, हर चीज़ के दो पहलू होंगे, एक नेगेटिव पहलू और एक पॉजिटिव पहलू। इन सवालात का जवाब देते वक्त हमेशा मुस्बित सोच रखें, हमेशा जवाब देते वक्त सोशल होने का तासुर दें, मिलजुल कर काम करना, टीम वर्क की सलाहियत को मद्देनजर रखें, हमेशा अपने अंदर सीखने का रवैया जाहिर करें। मिसाल के तौर पर सवाल होता है, जुमला बनाएं, ब्लड, खून, आमिर खून को देखकर डर गया। आप एग्जामिनर को खौफ ज़्यादा होने का तासुर दे रहे हैं। जिस्म खून का हिस्सा है, ये बेहतर है। इसी तरह फूल, रोज़, रोज़ आर द ब्यूटीफुल्स, फूल खूबसूरत होते हैं, ये आपकी नफीस तबीयत को जहर कर रहा है, उनकी खूबसूरती। अगर आप ये लिख दें कि फूल मोहब्बत की शुरुआत है तो ये आपका आशिकाना रवैये को जहर कर रहा है। लव, प्यार, आई लव माई पेरेंट्स या आई लव माई कंट्री। अगर आप ये लिख दें कि अली फातिमा से प्यार करता है या मैं फातिमा से प्यार करता हूँ या फिर लव इज़ पेन, याद रखें ये आपके इल्म, सोच और रवैयों को परखा जा रहा है। लाजमी नहीं है कि आपके जहन में जो पहला जुमला है वही लिखना है, आप 2 से 3 जुमले सोचें और फिर इनमें से जो मुस्बित लगे उसका इंतखाब करें। इसी तरह कुछ जुमले दिए होते हैं जिन्हें आपने मुकम्मल करना होता है, मसलन लड़कियों की टांगें, खाली जगह पुर करें, लड़कियों की टांगें, जुमला मुकम्मल करें 2 सेकंड में, आपके पास टाइम है। जी, लेट्स स्टार्ट, 1, 2। ओ नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, याद रखें आप साइकोमेट्रिक टेस्ट दे रहे हैं। दोस्तों याद रखें, औरत मुख्तलिफ रूप्स में पाई जाती है, आपने हमेशा माँ, बहन, बेटी या बीवी का इजहार करना है, ये आपके अंदर औरत की इज्जत करने का इजहार होता है। ऐसे जवाब दें जिनमें इज्जत करने का इजहार हो, आपकी सोच और रवैया मुस्बित जहर करें। लड़कियों की टांगें लंबी हैं, फातिमा ने छुरी से खाली जगह सेब काटा, लड़के और लड़कियां पार्क में खाली जगह पढ़ रहे थे, आमिर रात को जल्दी सोता है, अगर पैसे ना हो तो कमाओ, तारीकी से फ़ायदा उठाकर वो बहर चला गया, अपनी बीमारी की वजह से वो मर गया, नहीं नहीं आज वापस ना जा सका। वीडियो के आखिर में मैं ऐसे ऐसी सवालात दूंगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी तरह के जुमलों में भी मुस्बित रवैये, पॉजिटिव सोच का इजहार करना है। इसी तरह आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछा जा सकता है कि आप रात को जल्दी सोते हैं या फिर लेट सोते हैं, या फिर पूछा जा सकता है कि आपको बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। ऐसे सवालात में आपकी ज़िंदगी का मुतमिन होने के बारे में परखा जाता है। जो लोग मुतमिन होते हैं, अपनी ज़िंदगी से खुश होते हैं, वो जल्दी सो जाते हैं, और जो लोग परेशान रहते हैं इनको रात को जल्दी नींद नहीं आती। इसलिए आपने जल्दी सोने वाले जवाब को टिक करना है। काम के दौरान अगर कोई आपको टोक दे तो कैसा लगेगा, अच्छा, बहुत अच्छा, बुरा या बहुत बुरा, ऐसे सवालात में हमेशा अच्छे को टिक करना है।
बुरा या बहुत बुरे से मुराद है कि आप में दूसरों की बात सुनने की सलाहियत नहीं है और ये मनफी सोच को जहर करता है। इसी तरह आई वर्क वेल विद अदर, एग्री, डिसएग्री या न्यूट्रल। एग्री, ये आपके टीम वर्क को शो कर रहा है। इसी तरह इम्तिहान में एक तरह के सवाल को घुमा फिरा कर मुख्तलिफ अंदाज में पूछा जा सकता है, मगर आपने अपनी सोच को मुस्बित रखना है और आपने जवाब भी मुख्तलिफ दिया तो ये आपके हक़ के लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सवाल इसलिए दिए जाते हैं कि उम्मीदवार इदारे के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इसके अंदर प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये झूठ तो नहीं बोल रहा। मिसाल के तौर पर सवाल आता है कि आप कौन सा नशा करते हैं, चाय, सिगरेट, शराब वगैरह। अगर भाई आप चाय पीते हैं तो आप टिक कर दें। आप ऑफिस की बातें अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं। इससे अगला मरला जो शुरू होता है वो होता है दोस्तों पिक्चर स्टोरी। इम्तिहान में 1 से 3 तस्वीर दी जाती हैं। एक तस्वीर का वक़्त 5 मिनट होता है। आपने इस पर 5 मिनट में सादे अल्फाज में पॉजिटिव सोच के साथ लिखने होंगे। तस्वीर में रंग भरने की कोशिश करें। हर तस्वीर के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। आपने पॉजिटिव पहलू को चुनना है। स्टोरी लिखते वक्त ना मनफी सोचना है और ना ही नेगेटिव अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। मर्द और औरत का इज़हार करते वक्त एहतियात से काम लें, मुस्बित रवैयों का ख्याल रखें, मुतमिन ज़िंदगी का इज़हार करें, मायूसी से बचें। इस स्टोरी के ज़रिए भी आपकी शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। दोस्तों अमूमन इम्तिहान में ऐसे ही सवाल आते हैं जो कि थोड़ा आगे पीछे करके लिखे होते हैं, लिहाजा इनका मकसद तो एक ही होता है, आपकी तबीयत, खुशी, सोच, ख्यालात, काबिलियत को जाँचना, परखना या जज करना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए मददगार साबित होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत और अपना वक्त लगा कर ये बनाई है। दोस्तों आपका भी एक फ़र्ज़ बाकी है, अगर ज़रा सी आप थोड़ी मेहनत कर दें तो ये वीडियो अपने व्हाट्सएप्स और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो में किस चीज़ की कमी रह गई है आप कमेंट्स बॉक्स में मेरी ज़रूर रहनमाई फरमाइएगा। दोस्तों मैं खुद अभी तक एक तालिबे इल्म हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।